हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने अगेन आया हूं और ये क्वेरी है आपके कमेंट्स की। जब आप कमेंट करते हो ना, तो वो एक मुझे लगता है कि मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे हैं। आप प्लीज कमेंट करो। कई बार मैं इंडिविजुअली कमेंट पे जाके आंसर नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप याद रखना उस कमेंट को ऑनर जरूर करता हूं मैं, लेटर और सूनर। तो अभी जो मैक्सिमम मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टा पे कहीं भी बच्चे जो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, कुछ तो ट्विटर पे भी कर रहे हैं, उसमें ये कि सर मेरे 608 मार्क्स हैं, मेरे 605 हैं, 599 हैं, क्या मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूं? यू वोंट बिलीव, कई बच्चे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा, तो कुछ मैसेज कर रहे हैं सर क्या पक्का मिल जाएगा, सर कसम से मिल जाएगा। तो देखो यार, मैं भगवान तो हूँ नहीं और फ्यूचर के बारे में कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो मेरा उन सभी बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, बिकॉज आपका जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब कॉलेज में आ जाओगे, जब आप प्रोफेशन में, कॉलेज से भी आगे प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना, तो आपको बोला जाएगा योर टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है। तो ऐसे केस में आपके टाइम की कीमत इतनी ज़्यादा होगी, आपको ग्रेजुअली वो बाद में पता चलेगा। तो अभी मेरा मानना है सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट पढ़ाई करो, कोई बुराई तो है नहीं, ना तो कोई टोटका है कि आप पढ़ने लगोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप पढ़ो, और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पेपर सॉल्व करो, दैट इज द बेस्ट वे। बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट विल हैपन, 0 मार्क्स आएंगे। हो सकता है तुम्हारे 600 आए हो, अब तुम्हारे एकदम 200 आ जाए तो तुम्हें बुरा लगे, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के कर रहे हो आप। फोकस करो, कुछ हॉबी डेवलप करो, एक एक चैप्टर का नोट्स बना दो। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आज को आपको बताने वाला हूं जो आपको आपके आने वाले टाइम के लिए हेल्प करेगी। मेरा मानना है कि आप एक चार्ट रेडी करो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर आता है ना, उस चार्ट पेपर पे कोई एक ऐसा टॉपिक को समराइज करो। आप सपोज करो रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स में रोटेशन उठा लिया और पूरे चार्ट पे रोटेशन को फिल कर दिया, या फिर आप लॉजिक गेट ले लो और पूरे चार्ट पे लॉजिक गेट बना लो, और आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे भेजो। अगर आपको उस आपके वो जो टेली चार्ट बहुत अच्छे रहेंगे, मुझे पसंद आएंगे, मेरे को व्हाट्सएप करो, नंबर ढूंढ लो, मैं इस कमेंट में नहीं देने वाला। अगर आपका चार्ट बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा, कम से कम 500 रुपीज तक का कोई ना कोई गिफ्ट वाउचर मैं आप लोग को दूंगा। तो ये आप लोग के लिए, कोई एक चैप्टर को बढ़िया से चार्ट पेपर पे रखो, और सुदैट चार्ट पेपर को पढ़ने के बाद अपने आप आपसे आपका वो बेसिकली एक बच्चे को, एक ऐसे रॉ स्टूडेंट को समझ में आ जाए, रिवाइज कर ले पूरा। चलो नहीं समझ में आए तो, बिकॉज समझने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ये काम करो, और कुछ ऐसे हर दिन एक टॉपिक को पिक करो, बिलीव मी इतना मजा आएगा आपको, टाइम भी वेस्ट नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यूटिलाइज भी होता रहेगा। तो ये काम अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो सारे उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका रिजल्ट आउट हो गया, बट दे स्टिल दे आर इन डाउट कि उनका होगा कि नहीं होगा। थैंक यू।